ऑलराइट दोस्तों, आज हमारे पास है वीवो V29। आज इसका आपको मैं डिटेल रिव्यू दूंगा, इसकी कैमरा क्लैरिटी कैसी है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और लास्ट में बताऊंगा मैं अपना कंक्लूजन। सो एंड तक वीडियो में बने रहिए सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए। सो सबसे पहले बात कर लेंगे हम इस फ़ोन के डिज़ाइन की, तो लुक एंड द डिज़ाइन, काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन इस फ़ोन को वीवो ने दिया है। यहाँ पे कलर भी मेरे को ये V29e से बेटर लगा इस फ़ोन के अंदर में, क्योंकि उसमें भी कुछ नया करने की कोशिश की थी उन्होंने, पर ये काफ़ी सिंपल एंड सोवर और लिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। ऑरा लाइट अब साइड से उठा के कैमरा सेटअप के नीचे लगा दिया गया है और इसमें एक आपको स्मार्ट ऑरा लाइट इस फ़ोन के अंदर में मिलता है, जिसको आप कलर टेम्परेचर उसका सेट कर पाओगे, आगे आपको बता ही दूंगा मैं वीडियो में। फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बेजल काफ़ी पतले है इस फ़ोन के अंदर में, और चिन भी आप देखोगे तो एकदम नॉन एग्जिस्टिंग है, तो फ्रंट साइड में आपको इसकी डिस्प्ले ही डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अब मैं बात करूँ डिस्प्ले फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको अब FHD प्लस का जो अब तक डिस्प्ले मिलता था V सीरीज़ के अंदर में, अब वो 1.5K रिजोल्यूशन वाला हो चुका है। इस फ़ोन के अंदर में दोस्तों आपको 3D कर्व्ड AMOLED पैनल देखने को मिलता है, जो कि 1.5K रिजोल्यूशन को सपोर्ट करता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी है और काफ़ी स्मूथ एक ये एक्सपीरियंस आपको देता है अगर आप गेमिंग या फिर कंटेंट वॉचिंग इस फ़ोन के अंदर में करते हो। पीक ब्राइटनेस की मैं बात करूं तो ये 1300 निट्स तक जाएगी इसकी, आप यहां पे देख ही पा रहे हो। डे लाइट कंडीशंस में भी आप इसको इजीली यूज़ कर पाओगे विदाउट एनी हेजिटेशन। इसके पोर्ट्स एंड बटन्स की मैं गाइस यहां पे आपको बताऊं तो आप देख पा रहे हो यहां पे राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स है, पावर बटन है, नीचे की साइड में देखेंगे हम तो यहाँ पे स्पीकर ग्रिल है, टाइप सी चार्जिंग कनेक्टर, प्राइमरी माइक्रोफोन और यहाँ पे सिम ट्रे दिया हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों आपको इस फ़ोन के अंदर में मेमोरी कार्ड का कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा इस फ़ोन में। सो ऊपर के साइड में हम देखेंगे यहाँ पे तो सेकेंडरी माइक्रोफोन दिया हुआ है, जो कि नॉइस कैंसलेशन के काम में आता है और भी ये काफ़ी चीज़ें करता है, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना के डाल दूंगा। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एकदम नीट एंड क्लीन है। इन हैंड फील की मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूँ तो काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस देता है ये फ़ोन, हाथ के अंदर में भी ऐसा कुछ डर वगैरह नहीं लगा रहता कि हाथ से कहीं फ़ोन छूट ना जाए, सो इन हैंड फील भी बढ़िया है। सो अब हम बात करेंगे इस फ़ोन के अंदर आने वाले प्रोसेसर की। सो इस फोन में गाइस आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर, जो कि बेस्ड है 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे। अंतुदू स्कोर की मैं इसकी बात करूँ तो ये 5.5 to 6 लाख जाता है। UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है और LPDDR5 की रैम। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे बढ़िया ही रहने वाला है, चाहे आप गेमिंग करो या फिर कंटेंट वॉचिंग। कैमरा के बारे में बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन सोनी IMX766 का सेंसर, जो कि OIS को सपोर्ट करता है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम लेंस। फोटो सैंपल्स आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे, अच्छी डिसेंट फोटोज आपको ये फ़ोन निकाल के दे देगा, चाहे आप नाइट फोटोग्राफी करो या फिर दिन में फोटोज निकालो। फ्रंट कैमरा यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का होने वाला है और ये भी काफ़ी शानदार सेल्फीज आपको निकाल के दे देगा। बात करूँ मैं वीडियोग्राफी की तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 4K 30fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे फ्रंट और बैक दोनों ही साइड से। 60fps का कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि प्रोसेसर ही सपोर्ट नहीं करता। बैटरी इस फ़ोन की गाइस 4600mAh की होने वाली है और ये 80 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। OS के बारे में बात कर लूँ मैं तो यहाँ पे आपको FantasOS 13 देखने को मिलेगा इस फ़ोन के अंदर में, जो कि Android 13 पे बेस्ड है। OS अपग्रेड्स के बारे में अभी तक वीवो ने कुछ कन्फर्म ऐसा बताया है नहीं, जैसे ही कन्फर्म हो जाएगा मैं डिस्क्रिप्शन में उसको लिख दूंगा, आप जाके उसको पढ़ सकते हो। आपको इस फ़ोन के अंदर में 3 कलर ऑप्शंस मिलने वाले हैं, ये मेरे हाथ में आप मैजेस्टिक रेड देख रहे हो और ये 2 ऑप्शंस है, आपको तीनों में से कौन सा बेटर लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब मैं दूं गाइस आपको अपना कंक्लूजन, तो इस फ़ोन के प्रोसेसर को मद्देनजर रखते हुए इस फ़ोन का प्राइस मेरे हिसाब से ज़्यादा 30 से 33 हज़ार के बीच में होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा प्राइस के लायक का ये प्रोसेसर है नहीं। परफॉर्मेंस अच्छा है इसका, गेमिंग वगैरह भी अच्छी आपको ये निकाल के दे देगा, बट थोड़ी सी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, तो इससे ज़्यादा प्राइस ये फ़ोन डिज़र्व नहीं करता। अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो इससे ज़्यादा प्राइस में तो मैं इस फ़ोन को बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। फिर भी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल तो आपका ही है उसको सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।